शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लो भाई, लड़के वाले जीत गए। पर दादी, ये तो चीटिंग है ना, ये तो गेम में था भी नहीं, फिर ये बीच में कैसे आ सकते हैं? मेरे लिए वो मेरी टीम में है। ए बिटिया, हमारी बहुरिया के हाथ में हमारे बेटे का नाम देखना, अमित। अमृता, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तेरा इधर आओ। अरे मेहंदी तो लगने दे। अम्मा, हमें जरूरी बात करनी है अभी, आओ। हम अभी आते हैं। क्या बात है अम्मी जी, आपने ऐसे मेहंदी के बीच से क्यों बुला लिया हमें? क्योंकि हमसे अब आशी का दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। हम सारे फंक्शन खत्म होने तक का वक्त दे रहे हैं आपको। या तो आप सबको सच सच बता दीजिए कि आशी और कुणाल की बचपन की शादी नकली थी, और या फिर आपका और हमारा रिश्ता नकली बन के रह जाएगा। बस सोच समझ के फैसला लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा रिश्ता दांव पर है। आपको कोई एक चीज चुननी है, या तो अपने बेटे की ममता या फिर अपना पति। अरे माँ, बाबा, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बातें बाद में कर लेना प्लीज। चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो 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 माँ, चलो। क्या हुआ बिटवा? कुछ नहीं हुआ अम्मा। हम जानते हैं तू क्या सोच रहा है। आशी और कुणाल का रिश्ता खत्म हो जाए, यही सोच रहा है ना? पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ उर्मिला अपने लल्ला के बच्चे की अम्मा, और उधर आशी कुणाल के बचपन की दुल्हन। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश आपको बता पाते कि बचपन की वो शादी नकली थी। अम्मा, वो सब छोड़ो, वो बाद में बात करेंगे, अभी फंक्शन को एंजॉय करो। ठीक है बेटा। आशी बिटिया, तूने हम सब की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा। हम भी जी जान लगा देंगे कि इस जश्न के खत्म होने से पहले तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाए। आपके पति का नाम? सिड। सिड। आशी अब भी इसके बारे में क्यों सोच रही है? ये तेरी जिंदगी में नहीं, पता नहीं तेरी किस्मत में किसका नाम लिखा है। आपने बताया नहीं आपके पति का नाम, बताइए ना आपके पति का नाम क्या है? कुणाल। इसके पति का नाम कुणाल है, कुणाल लिख। कह रहा था हमें इनके पति लिखिए आप। आशी को मेहंदी मैं लगाऊंगी, तुम जाओ, तुम जाकर माँ की मेहंदी पूरी करो। सर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? गीत, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, प्लीज कॉफी ले आओगे? मैं अभी लाई। नहीं, ये क्या कर रहे हो? अरे देना। आशी चुपचाप कर, समझे? कर ले। तुझे मेरी कसम, ये सही नहीं है। आशी, तुझे मेरी कसम। रिधि, तू समझाना। देखो, तुझे मेरी भी कसम, चुपचाप रख लगा ले। ये बन गया पिकॉक। थी, ये तो बदन जैसे लग रहे। आशी, तू अपनी हथेली पे सिद्ध का नाम लिखने से कतरा रही है, लेकिन भगवान जी ने तो तेरी किस्मत में उसका ही नाम लिखा है। आई प्रे कि तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ। आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे? आप भी लगवा लीजिए। मन तो बहुत है कि सबकी खुशियों में शामिल हो जाऊं, लेकिन जानती हूँ यहाँ सब लोग
मुझसे मेरे परिवार से नाराज हैं। आखिर नकुल ने जो गिरी हुई हरकत करी है उसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे भाई बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे तो। अब ये इसका क्या नया ड्रामा है? बाबा, हम जानते हैं कि नकुल ने जो किया वो माफी लायक नहीं है, पर इसमें गीत की क्या गलती है? जब से ये घर सिद के हाथों में गया है, इस लड़की ने हमें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा भटक गई थी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अब मुझे एहसास हो गया है कि एक परिवार क्या होता है। इतने टाइम आप सब लोगों के साथ रही, लेकिन आज आपकी इतनी बड़ी खुशी में अकेलापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ। प्लीज आंटी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बाबा प्लीज, हमारे लिए ठीक है। अब तो अंकल ने भी मुझे माफ कर दिया, अब आप आंटी मुझे माफ कर दीजिए ना। थैंक यू आंटी, मैं कल भी आपके साथ थी और आगे भी आप ही के साथ में रहूंगी। अरे वाह माँ, आपकी मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा है। लगता है बाबा आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। चुप पागल। अरे कुणाल, तूने कुछ खाया नहीं? आशी इधर आ, इधर आ। तेरी मेहंदी बता कैसी है दिखा। वाओ यार, तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा है। आई एम वेरी श्योर तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता होगा। निधि, सही कह रही है निधि, कोई तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है तभी मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ा है। यू आर लकी आशी। हाँ आशी, तुम्हारे हाथों में मेरे प्यार का रंग चढ़ा है, अब तो मान लो कोई है जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। ओहो गीत, तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना फीका। सिट तुम्हें सच में भी प्यार करता है ना? कोई बात नहीं गीत, क्या हुआ अगर मेहंदी का रंग गहरा नहीं चढ़ा तो? हमारी दोस्ती का रंग तो गहरा है। सो गाइस, लड़के वाले और लड़की वाले खेलेंगे म्यूजिकल चेयर। अब देखते हैं कौन जीतता है, किसका राज चलता है इस घर पर, दुल्हन का या दूल्हे का। मनोज चेयर्स लगाओ। गजब के लोग हैं, यहाँ हमारे जिंदगी में भूचाल आया पड़ा है। हमारे पति की दो दो शादियाँ हो रखी और ये लोग शादी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, हम तो अपने पति से अलग होने से रहे। आज चाहे जो हो जाए, अमिता को हमारी बात माननी होगी। हे राम जी, अमित जी तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्या करें? हमारे पास तो सिर्फ ये जश्न खत्म होने तक का वक्त है। बाबा की टीम में होंगे बाबा, कुणाल और सिद्ध, और माँ की टीम में होंगी माँ, आशी, निधि और गीत, मैं और दादी म्यूजिक प्लेयर्स। सो स्टार्ट। इस खेल का हिस्सा है, इसे परिवार का हिस्सा समझने की गलती मत करना। ये तो बस एक कुर्सी है, धीरे धीरे तुझे सारी वो चीज छीन लूंगा जो मैं। बाबा, आप प्लीज आइए बैठे। आशी गेम है। इट्स ओके, चुपचाप बैठ जा, समझी? निधि बाय। बाबा काकी माँ, रहने दे।
आशी इस खेल में हम दोनों एक साथ, लेकिन सिड को जीतने के खेल में मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, तो तुम्हें तो किक आउट करना ही होगा। चलो अभी लास्ट राउंड है, अब ये राउंड किसी एक टीम को जिता देगा और एक टीम को हरा देगा। सो 1, 2 एंड 3। जीतेंगे तो आज हम ही। तुम्हारी एक खुशी के लिए एक बाजी तो क्या, जिंदगी की हर बाजी हार जाऊं। ये तो टाई हो गया, एक गेम बाबा जीते और एक गेम माँ। अब पता कैसे चलेगा इस रिश्ते में कौन किस पर भारी। विद्या दी, भारी तो कोई किसी पे तब पड़ेगा ना जब दो लोग अलग हों। शादी में दो दिल, दो लोग जुड़ के एक हो जाते हैं, उनके सुख दुख एक हो जाते हैं। तो पलड़ा चाहे हल्का हो या भारी, दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि पति पत्नी दो नहीं एक है, और दोनों को एक दूसरे को समझना ही होगा। आशी ने एकदम पक्की बात कही है, एक दूसरे को समझना होगा। विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, वधु को बुला लीजिए। याद है ना कि हमारी शादी पूरी होने से पहले तुम्हें आशी को इस झूठी शादी से आजाद करता है। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वरमाला भी पूरी हो गई ना। बिटिया, जैसे तूने हमारा गठबंधन कराया ना, राम जी करे तेरा गठबंधन भी बहुत जल्दी हो जाए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आगे के फेरों के लिए वधू आगे आ जाइए। अभी आखिरी 3 फेरे बचे हैं, मेरी बात याद है ना। नहीं अम्मा जी, आशी इस घर में आई थी हमारे बेटे के लिए। कुणाल आशी से प्यार करता है, तो हम इसे इस घर से, अपने बेटे की जिंदगी से
कैसे जाने देंगे, लेकिन पति और बेटे में किसी एक को कैसे चुने? अमिता! माँ! काकी! बहुरिया! काकी! माँ! बहुरिया! ऐसे क्या हुआ? मैं इन्हें रूम में ले जाता हूँ। निधि, तू जल्दी डॉक्टर को कॉल कर। हाँ। जल्दी। अब्बा, मनोज को भेजा है दवाइयाँ लाने। डॉक्टर कह रहे थे कि माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें आराम करने देना होगा, तो हम सब उन्हें आराम करने देते हैं। नहीं ठीक। अच्छा, काश आज तुम आशी को उसकी शादी से आजाद कर पाती, काश तुम सबको बता पाती कि कुणाल और आशी की वो बचपन की शादी नकली थी। से बता देते अमित जी, आशी हमारे कुणाल की पत्नी है, उसकी नकली शादी का सच सबको बताना ना पड़े, इसीलिए तो किया ये सब नाटक। कौन? आशी और कुणाल की शादी नकली है। आशी चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। मैं तो बस आपका ये मांग टीका लौटाने आई थी। ये सब छोड़िए, बताइए कि आप क्या बात कर रही थी। आशी और कुणाल की शादी नकली है। आशी, हम तो कुमारी हैं। हे भगवान, ये सब सुन के सिर्फ मुझसे एक सेकंड में रिश्ता तोड़ के उस आशी से रिश्ता जोड़ लेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप रहो, कुछ सुन लेगा। इतना बड़ा राज आशी का इस घर से कुणाल से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब से मुझसे बंधन तोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा मुझे। एकदम चुप, पानी पियो। छोड़ देगा? चुप, नौटंकी कहीं की। जानते हैं हम इस राज को, राज रखे थे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आशी इस घर से जाए। अरे, हमारा बेटा कुणाल आशी से प्यार करता है। और मैं सिद्ध से प्यार करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पे सिद्ध को नहीं खो सकती हूँ। इस राज को राज ही रहने दीजिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हाथ मिला ले इस बात पे। तुम्हारे भाई ने हमारी बेटी के साथ इतना कुछ कर दिया और तुम्हें लगता है हम अब भी तुम पर यकीन करेंगे? आंटी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, एक बार तो यकीन करके देखिए। देखिए, मैंने सिट को पाने के लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं उसको नहीं खो सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे सिट और आपके कुणाल के लिए हमें एक होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। प्लीज। इस औरत पे विश्वास नहीं कर सकती, कहीं ऐसा ना हो अमित अंकल के फोर्स करने पे ये अपना मुंह खोल दे। वैसे भी कुणाल की पत्नी घर में आ गई है और अब आशी भी शादीशुदा नहीं है, सिट के साथ मेरा रिश्ता भी इतना पक्का नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। सिट बेटा, एशियन गाला मेट में अगर हमारे ब्राइडल डिजाइन सेलेक्ट हो गए तो भविष्य में हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सिद्ध बेटा, हमने कुछ सैंपल्स मंगवाए हैं, जरा एक नज़र उन्हें चेक कर लो और डिसाइड करके हमें बताओ कि हमें कौन से ब्राइडल कलेक्शंस वहाँ पे भेजने, और ये कलेक्शन तुम्हारी माँ के नाम पर होगा।
तो इसलिए हमें ये हर हाल में जीतना ही जीतना है। पापा आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हो सैंपल आ गए। सिद्ध बेटा, इसका डिजाइन और फैब्रिक सब चेक कर लो अच्छे से। जी मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें सबसे महंगे वाला कौन सा है? सर वैसे तो सारे एक से बढ़ के एक है, पर ये सबसे महंगा वाला। ठीक है इसे डन करो, और ये सेम फैब्रिक में मुझे रेड कलर भी चाहिए। ठीक जाओ। जब तक सिर्फ ये डिजाइन इसका। क्या हुआ तुम गई नहीं अभी तक? सर वो मैं हमारे लिए रुके हैं। नमस्ते अंकल। थैंक यू। हमें कुछ सैंपल्स दिखाएं ना प्लीज। ये देखिए। ये नहीं दूसरा। अच्छा तो वही था, पकड़िए प्लीज। ठीक है तो एक ये और एक आपके हाथ में जो है रेड वाला, ये दो सैंपल हमें पसंद आए। पर तुम इन सब का करोगी क्या? फिक्र मत करो, फ्री में नहीं ले रहे। तुम्हारे स्टोर में जितने दिन काम किए हैं ना उसकी सैलरी के बदले में ले रहे। पर क्यों? क्योंकि हम इस फैब्रिक से अपना खुद का डिजाइनर ड्रेस बनवाएंगे और एशियन मेट गाला में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सैंपल पास होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 60 लाख रुपए मिलेंगे। हम अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, खूब कमाएंगे और इस घर को तुमसे वापस लेंगे। हम अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, खूब कमाएंगे और इस घर को तुमसे वापस लेंगे। पर वो सब तो तब होगा ना जब तुम्हारा सैंपल पास होगा। सैंपल तो मेरा ही पास होगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे स्टोर को हम मैनेज करते थे। और ऐसे 7 स्टोर मैंने खड़े किए तो ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। वैसे भी सवाल मेरी माँ का है। और सवाल हमारे बाबा और उनकी इज्जत का है। निधि सामान उठाने में हमारी हेल्प कर। इस लड़की का ना रोज कोई ना कोई नाटक जरूर चालू रहता है। नाटक नहीं हकीकत। आप तो आशी को बचपन से जानती है ना, वो जो कहती है करके रहती है। कर ले तो अच्छा है, हमें हमारा घर वापस मिल जाए और सिद आशी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। सिद इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो, मुझे सैंपल, जरूरत की सारी चीजें और पूरी टीम आधे घंटे में यहाँ चाहिए। आप ये सैंपल मैं अपनी आंखों के सामने अपने ही घर में बनवाऊंगा। एक बहुत बड़ा मौका मिला है, अगर हमारी डिजाइन सिलेक्ट होगी ना तो हमारा बिजनेस तो चल पड़ेगा। तो देखना उसके बाद हम बहुत मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और फिर सिर्फ से हम अपना घर ये वापस ले लेंगे। विद्या दी आप ना डिजाइन में मास्टर हो तो आप हमारी डिजाइन में हेल्प करना, और निधि तू फैब्रिक से मैचिंग टेलरिंग लाने में हमारी मदद करना। ठीक है उसके बाद हम लोग जाके ना, हम कुछ बोल रहे हैं दी, आप सुन रहे हो? इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा कोई? सॉरी विद्या, हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अरे दी ये क्या बोल रही है? तू जानती है ना हम तुझसे बहुत प्यार करते, बहुत बहुत बहुत। हाँ और हम ये भी जानते कि आप लोग हमेशा हमारा हर चीज में साथ दो, पर इसमें नहीं देंगे। पर क्यों? क्योंकि ये सब तू इस सेट को यहाँ से भगाने के लिए कर रही है ना। और सेट तो तुझसे बहुत प्यार करता है, हर कदम हर तकलीफ में हमेशा तेरा साथ देता है, तो आई डोंट थिंक कि हम सेट के खिलाफ जा सकते। सॉरी बेबी। ओके ओके बाय। हाँ पर विद्या दी, निधि तू तो हमारी बाय। निधि क्या है बाबा? अच्छा वो आप आ गए, हम जानते हैं आप हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लोग बात ही नहीं सुनते हमारी कुछ भी। बाबा कल ये कॉस्ट्यूम हमको कैसे भी करके भिजवानी है। देख बेटा वैसे तू हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है ना, लेकिन क्या है कि इस काम की हमें नॉलेज नहीं है तो इसमें हम तेरी हेल्प नहीं कर सकते। सॉरी सॉरी। ना ना बाय।
बाबा, सिद का इस घर में आना, इसमें आपने भी उसका साथ दिया ना। पता नहीं क्यों हमें बार बार ऐसा लगता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काश अमृता ने तेरी और कुणाल की नकली शादी का सच सबको बता दिया होता तो आज हम तुझे और सिद्ध को एक होने का आशीर्वाद दे देते। हाँ ये सच है कि हम सिद्ध को यहाँ तेरे लिए लेके आए थे, लेकिन अगर तेरा ये बिजनेस चल पड़ा तो सिद्ध को यहाँ से जाना होगा। आशी, तुम ये सब सिड से अपना घर वापस लेने के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं और सिड यहाँ से चले जाएं। आशी मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, कभी तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करने चली आई। आप जानते हैं गी, तुम जो करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे। अच्छा मुझे अपनी डिजाइन सिखा, और हाँ सबसे पहले ये जूस पियो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। थैंक यू, हम पहले डिजाइन दिखाते तुम्हें। ये देखो, ये स्कर्ट पूरा बन गया, इसका सिर्फ दुपट्टा बचा है, उसमें हम जरी वाला काम करेंगे। ये डिजाइन बेस्ट है, इसमें एक बार जरी का काम हो जाएगा ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और जरी के काम में तो तुम माहिर हो। थैंक यू गीत, हम अभी इसे कंप्लीट करते हैं। क्या नई नौटंकी है, तुम जानबूझ के आशी का ड्रेस खराब करना चाहती हो ताकि वो कंपटीशन हार जाए और तुम्हारा वो सिट जीत जाए। ओफो आंटी, इतनी छोटी सोच, मैं तो कहां बहुत दूर का सोच रही थी। आप भी ना, मेरा मकसद सिर्फ सिट को इस घर से ही नहीं, आशी के दिल से भी दूर करना है। मतलब आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। Come on guys, मुझे ये ड्रेस दी बेस्ट चाहिए, जल्दी। आप सब लोग जाइए, जाके लंच कीजिए। गीत अभी बहुत काम आ चुका है। से लंच का टाइम हो रहा है। चलो जाओ, लेकिन जल्दी आना। तुम इतना कॉम्पिटिटिव क्यों हो रहे हो? इतना प्यार है आशी से? क्या? आशी के साथ इस घर में रहना चाहते हो, तो नहीं चाहते कि वो जीते और तुम्हारे पैसे वापस करे। ये जीत मेरी माँ के नाम से जुड़ी, माँ के लिए जीतना मुझे। ओ, तो फिर तो तुम्हें जीतना ही होगा, बाय हुक और बाय क्रूक। क्या मतलब? मतलब अगर किसी भी तरह से आशी की डिजाइन खराब हो जाए तो। गीत, मुझे धोखे की जीत नहीं पसंद। जानती हूँ सिड, सुनो वो मुझे बहुत काम है। गीत,
जानता हूँ ये कंपटीशन जीतना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इतनी मेहनत ना। आई विश तुम ही जीतो आशी। अगर तुम जीतोगी तो मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और आशी मुझे नहीं जाना, तुमसे दूर मुझे नहीं जाना, इसलिए तुम्हें हारना पड़ेगा आशी। तुम्हारे हारने में ही तुम्हारी जीत है। ये लीजिए सैंपल, संभाल के ले जाना। और हाँ, ये उसकी वीडियो डिटेल्स। थैंक यू बेटा। थैंक यू भैया। आप दो मिनट प्लीज, हम अपना सैंपल भी लेके आते हैं। आशी बेटा, ये सैंपल जल्दी सबमिट कर देना, लेट नहीं होना चाहिए। जी सर। बेटा हमारी एक मीटिंग है जरूरी, हम निकलते हैं। सुनिए, मैं संभाल लूंगा। मैं वो डिटेल की वीडियो सीडी भी लेते आना कि ड्रेस में क्या खास है। सीडी तो हमने बनाई नहीं दी। विद्या दी, कल तो आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की, प्लीज आज हमारी हेल्प कर दो, वीडियो रिकॉर्ड करवा दो दी, प्लीज। दीदी चल दो मिनट, बाकी लहंगा तो हमारा पूरा रेडी है। दीदी आप प्लीज रिकॉर्डिंग कर दीजिए, दीदी पकड़वाने में हमारी हेल्प कर। यहाँ पर लाइट अच्छी आ रही। रेडी रेडी। हेलो, हमारा दुल्हन का जोड़ा रेडी है। आपको हम इसको टॉप से बॉटम तक दिखाते हैं। जनरल, ओह माय गॉड, आशी तेरा लहंगा। लहंगा फट कैसे गया? आशी कहाँ? आशी बाबा, बाबा ये देखिए। ये क्या हुआ बाबा? कतई शहर सिद्ध, तुम इतना नीचा गिर जाओगी। हमने हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक छोटी सी जीत हासिल करने के लिए तुमने आशी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। सिर नीचे तुम नहीं, मैं गिरी, पर क्या करती, करना पड़ा। सॉरी। हम जानते हैं सिर ऐसा नहीं कर सकता, एक कंपटीशन जीतने के लिए ये घटिया हरकत नहीं कर सकता है। कमाल है आशी, इतना सब कुछ हो गया फिर भी विश्वास कर रही हो इस पर? काकी आपको गलत फहमी हुई है, सिद्ध हार जाएगा लेकिन धोखा नहीं देगा। कितनी भी फूट डाल दो, इन प्रेम पंछियों का एक दूसरे के ऊपर से विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हमारे बाबा ने हमें हारना नहीं सिखाया, हमने जो ये कदम आगे बढ़ाया अपने बाबा का घर वापस लौटाने का, उनका मान सम्मान लौटाने का, हम ये कदम पीछे नहीं लेंगे। हम सैंपल फिर से बनाएंगे। हमें तुझ पर गर्व है बेटा, बहुत गर्व है तुझ पर। लेकिन मैम इतना टाइम नहीं हमारे पास। बेटा नहीं, बेटा नहीं, एक मिनट। मैं सिद्धार्थ शर्मा बात कर रहा हूँ, शर्मा साड़ी स्टोर से। जानता हूँ सर, आपके सारे पार्सल हमारी कुरियर कंपनी से ही जाते हैं, लेकिन आज मेरा पार्सल थोड़ा सा डिले है। ओ नो इश्यू सर, तो हम 5 घंटे के बाद वाली फ्लाइट से आपका पार्सल भेज देंगे। ठीक है। नहीं सर,
तुम पे कोई एहसान नहीं किया है मैंने, बस मुझे आसानी से जीतना नहीं पसंद। 5 घंटे हैं तुम्हारे पास, कर लो जो करना है। सोच आशी, कुछ सोच, सिर्फ 5 घंटे क्या करें? शर्मा अंकल को फोन करते हैं। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज 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 फोन उठाओ शर्मा अंकल, प्लीज। जी, आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आज फिर हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये कॉम्पिटिशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज राम जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। सर, अब तो 5 घंटे भी हो गए, मैं आपका सैंपल लेके निकलता हूँ, वरना सारे कुरियर रुक जाएंगे। सर तेरी की, लगता है आशी के हाथ से ये मौका छूट गया, अब वो ये घर नहीं छुड़ा पाएगी। ठीक है फिर आप। थैंक यू सर। रुक जाइए, ये हमारा सैंपल भी रेडी, और ये उसकी सीडी। आपके जज्बे को मानना पड़ेगा। आशी, तेरा फोन आया। हेलो, हाँ जी शर्मा अंकल, नमस्ते। सॉरी बेटा, मीटिंग में था तो तुम्हारा फोन नहीं ले सका। कोई बात नहीं अंकल, काम हो गया। बाबा, डिजाइन्स का रिजल्ट आने वाला है और आप लोग। अरे बात बताओ, सच सच बोलना विद्या दी, हमारा ड्रेस आप लोगों ने खराब किया था ना? आशी, तू एक हफ्ते से एक ही सवाल पूछ रही है, अब मुझे ना बहुत बोर हो रहा है। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही चाहते थे ना कि सिरिस घर से बाहर नहीं जाए, तो हो सकता है कि हाँ हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं वही तेरे लिए बने, बस एक तू ही है जो नहीं जानती। पर वैसे वो सब तो छोड़ दो, मैं तो ये बोल रही थी ड्रेस खराब करने का आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं था, है ना मेरी? कर सकते थे। अरे मेरी पिद्दी, सच बोल रहे, हम दोनों ने तुम्हारे डिजाइन नहीं खराब करे हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि तेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दे, समझी तू? पर फिर आप दोनों ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? अब ये बार बार फोन देखेगी तो फोन जल्दी तो आएगा नहीं, अपने टाइम पे आएगा ना। बाबा उठा उठा उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा। जय श्री राम। हेलो मिस आशी। हाँ जी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ बताना। हम जीत गए। क्या? तू जीत गई, तू जीत गई। काकी माँ, खुश हो और बधाई हो। थैंक यू। आशी, हमें तुम पे नाज है।
फोन तो चालू है, स्पीकर पे डालती हूं। सॉरी सॉरी, बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको मेल कर दी है। आपके नए बिजनेस के साथ हमारा कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आशी का डिजाइन था ही इतना अच्छा, उसे तो जीतना ही था। वैसे आशी, तुम्हारे पास तो फैब्रिक भी नहीं था ना, तो फिर ये कैसे किया ये सब? मैम, मैं दिखाती हूँ आशी के डिजाइन का वीडियो। अच्छा बाबा। हर शादी अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना अधूरी रहती है। आज हम ये दुल्हन का जोड़ा अपनी अपनी माँ की साड़ी से बना रहे, और हमें पूरा विश्वास है हमारी माँ के आशीर्वाद से हम जो चाहेंगे हमें वो सब मिलेगा। मैया रे मैया, तूने इस घर के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी भी मिटा दी। हे भगवान, तू इसे कैसे कर सकती है? हाँ दादी, जब बाबा ने हमारी जान बचाने के लिए अपने बेटे को खो दिया, हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जाने कितने ताने कितने इल्जाम सहे, तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। और रही बात माँ की, तो काकी माँ है ना, अब वैसे सिड के डिजाइन का क्या? हम बताते हैं। सिद भाई ने अपने डिजाइन दिए ही नहीं, सबमिट ही नहीं करे। क्यों? तुमने तो कहा था ना कि इवेंट तुम्हारे माँ के नाम से जुड़ा है, फिर क्यों नहीं भेजा? क्यों सिद, तुमने ऐसा क्यों किया? एक मिनट। आशी, तू पूछ रही है ये सब सिद ने क्यों किया? ऑब्वियसली तेरे लिए किया। सेठ भाई ने अपने डिजाइन दिए ही नहीं, तुझे क्या लगता है वो तेरे खिलाफ खड़े होंगे? कभी नहीं। तुझे पता है उस दिन जब तू डिजाइन बना रही थी अपना, तभी सेठ भाई उधर ही थे। माँ, ये आपकी शादी की साड़ी है, परसों तक इस साड़ी को हमने अपने सीने से लगा के रखा, पर आज हमारे बाबा के घर उनकी इज्जत का सवाल है। आज ये साड़ी हमें अपने आप से दूर करनी होगी माँ। सॉरी माँ। निधि, मैं कंपटीशन इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि इससे मेरे माँ का नाम जुड़ा है, लेकिन आशी ने तो माँ की आखिरी निशानी भी कुर्बान कर दी। मेरी चाहत से ज्यादा पावन इरादे हैं इसके। मैंने तय कर लिया निधि, मैं इस कंपटीशन से अपना नाम पीछे ले लूंगा। ये सब उन्होंने किया ताकि तू जीत सके, समझी? थैंक यू सिद भाई। जानते हैं आज भी हमारे दर्द से तुम्हें दर्द होता है, पर अब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे तुमसे ये घर वापस ले लेंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा सिर्फ। आप दोनों अचानक यहाँ, कितने कुछ किया क्या? अपना गुस्सा संभाल के रखो, बाद में काम आएगा। क्या मतलब? तुम्हें हम दोनों की मदद करनी है। कैसी मदद? आशी और सिड को तोड़ने की। अब तक हम तीनों ने अलग अलग कोशिशें की हैं उन्हें दूर करने की, लेकिन कर नहीं पाए। कितनी मुश्किलें आई उसके बाद भी वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करना होगा? कुछ बड़ा करना होगा जिससे वो दोनों अलग हो जाएं, जिससे उनका प्यार भी मर जाए। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन मैं भी तो सिड से प्यार करती हूँ। तो प्यार तो हमारा कुणाल भी करता है आशी से। तो फिर बस प्यार के लिए हम लोगों को ये खेल एक साथ खेलना होगा, वरना हार जाएंगे। ये अब उर्मिला भी हमारे साथ है। बाबा, निधि, विद्या दी, आ जाइए।
एक्चुअली तुम्हारे हाथों में जादू है आशा। हमें मुन्ना के लिए दूध चाहिए। लाते हैं। वक्त हो गया धमाके का। थैंक यू। क्या मोहब्बत है इनकी। मौका मिला नहीं कि आगे चुपक गया यहाँ पे। चुप। आशी गिर रही थी, वो उसे बचा रहा था। झूठ। क्या चल क्या रहा है दोनों के बीच? क्या रिश्ता क्या है? पत्नी हमारी बाहों में किसी और के। पता नहीं कि ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं। हमारी हिम्मत किसी हुई हमारे बारे में ऐसी घटिया बात करने की? तुम्हें चुप करा के क्या मिलेगा? यहाँ पे सब जानते हैं कि तुम क्या। तुम ना एक नंबर की। कुनाल! तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है। तू इसके साथ कोई संबंध नहीं रह सकता। तेरा कोई रिश्ता नहीं इससे। तू दो दो पत्नियों के साथ नहीं निभा सकता, नहीं रह सकता। इसे याद रख, तुझे आज एक फैसला लेना होगा। या तो आशी को जाने दे या अपनी पत्नी उर्मिला के लिए कोई फैसला ले ले। चल आशी। हमने फैसला ले लिया। ये हमारे पति हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इन्हें तो हम कहीं जाने नहीं देंगे। हमने इनसे प्यार किया, इन्होंने हमसे शादी की, हमारा एक बच्चा है साथ में, तो इन पर हक तो हमारा हुआ ना। वो तेरी उर्मिला रानी तो गुलाटी मार गई, पता ही था। पहल बुद्धि पे भरोसा नहीं कर सकते। आप लोगों को लगता है कि हमें ऐसा ही कहना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कहेंगे। अब हम ये जान गए हैं कि ये सिर्फ आशी से प्यार करते हैं, और हमने ये फैसला लिया है कि अब हम इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे। हम इन्हें तलाक दे देंगे। हमने इस पे साइन कर दिए। आज हमने आपके बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप आशी और कुणाल की शादी करवा देंगे। क्योंकि हम जान गए हैं कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने। हमें नहीं पता था कि इनकी तुमसे शादी हो चुकी है, तो फिर इन पर हमारा हक कैसे हुआ? बहुरिया, चलो आज ही पंडित जी को बुला के कल की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अम्मा, ये क्या कह रही हो? अरे बच्चों की किस्मत का फैसला हम कैसे ले सकते हैं? फैसला? कौन सा फैसला?
अरे इनकी तो बचपन में ही शादी हो चुकी थी, हम तो हमारी खुशी के लिए इनकी शादी करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको आशी से उसकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए? ए लड़के चुप, हमारे घर के बारे में फैसला लेने वाला तू कौन होता है? चल हट। अरे लल्ला विधि का विधान तो देख, कल ही वो अवधि खत्म हो रही है जिससे तू नया रिश्ता नहीं शुरू कर सकता था, समझाना? आज तो हमारे सितारे बड़े बुलंद हैं। क्या कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हें कुणाल से शादी करनी है? दादी ने कहा ना ये हमारे घर का मामला है, तुम दूर रहो इससे। और वैसे भी हमारा परिवार हमसे जो कहेगा हम सब करेंगे। बाबा, बाबा इसे समझाइए ना, ये कुणाल के साथ खुश नहीं रहेगी, ये मुझसे प्यार करती। बाबा समझाइए ना इसे। अमृता अब भी सबको बता दो वरना बहुत देर हो जाएगी। बोल दो अमृता, बोल दो। Oh God, कहीं अंकल के फोर्स करने से अमृता आंटी सच ना बोल दे। आंटी, काकी, आंटी आप ठीक तो है ना? हाँ अंकल, आपको पता है ना आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना कर रहा है इन्हें स्ट्रेस लेने से। सब लोग कान खोल कर सुन लो, आज शाम को आशी और कुणाल का शगुन होगा और कल शादी। हाँ ठीक, चलिए आप। शाम को आशी और कुणाल का शगुन होगा और कल शादी। हमारा परिवार हमसे जो कहेगा हम सब करेंगे। बहुत दर्द हो रहा है ना? जानती हूँ, मुझे भी दर्द हो रहा है। ये लो। मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर उर्मिला कुणाल को उसके प्यार के लिए छोड़ सकती है तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए छोड़ दूंगी। आशी को कुणाल से शादी करने से रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन वो रोकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो कुणाल से शादी करना चाहती है। इतना बड़ा पैसे वाला अमीर खानदान जो है। क्या मतलब? सिर्फ तुम बहुत मासूम हो, कुछ भी नहीं जानते। वरना तुम ही बताओ ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने परिवार की चुपचाप हर बात मान ले। माना माना कि आशी ऐसी ही है, लेकिन उसने वी के लिए भी तो स्टैंड लिया था ना, तो फिर वो खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उसे पता है कि कुणाल से शादी के बाद ही उसे ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। जरा सोचो, अगर उसने अमित अंकल के बेटे से शादी नहीं की तो क्या वो उसे अपना सब कुछ दे देंगे? अमित अंकल भी जानते हैं कि आशी को एक अमीर लड़का चाहिए। तुम भी अमीर हो लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। उनके पास नॉर्थ में काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आशी के नाम पे तब तक रहेंगी जब वो कुणाल से शादी करेगी और उस शादी में रहेगी। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो थोड़ी ना देंगे अमित अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसे। आशी यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए एसेट। नहीं गीत, ऐसा नहीं है। मैं आशी को अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ पैसों के लिए नहीं है। तुम उसे नहीं जानते, वरना तुम ही बताओ एक ऐसा लड़का जिसकी एक और पत्नी है उसके खिलाफ कुछ बोलना कितना मुश्किल है। अरे अब तो बहुत आसान है उसके लिए ऐसे लड़के को छोड़ देना, लेकिन वो छोड़ के गई क्या? और बाबा जो बोलते हैं कि वो आशी से बहुत प्यार करते हैं, वो ये शादी क्यों नहीं रुकवा रहे? अरे ऐसा कैसा पिता है जो सिर्फ कहता है कि उन्हें तुम्हारा और आशी का साथ चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि उन्हें अपने परिवार की और अपने बेटे की खुशियां चाहिए। मैं तो वो मिसगाइड कर रहे हैं ताकि तुम कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो, इसीलिए कह रही हूं उसे कि एक आखिरी बार कोशिश करके देख लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई काश ना रह जाए। लेकिन हाँ, अगर इस बार आशी ने ना किया तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा।
तुम्हें हर हाल में मुझे अपनाना ही होगा। चैलेंज कर रही हूँ, अगर आशी तुमसे प्यार करती है, अगर उसमें हिम्मत है, तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। हे भगवान, पता नहीं इस घर में इस शादी की खुशी किसी को है कि नहीं। आज शाम को शगुन और कल शादी। हाँ, बहुरिया की तबीयत भी खराब है। माही लीजिए, मुंह मीठा करो, कल आशी फाइनली हमारी हो जाएगी। बेटा खुश तो माँ भी खुश, ये ले। और मैं भी, फाइनली कुणाल को आशी और मुझे सिड मिल जाएगा। जिया। अब चाहे जो हो जाए, ये शादी तो होकर रहेगी। नहीं बाबा, वो बस बीपी लो हो गया था। आंटी, आपका बीपी तो नॉर्मल ही नहीं हो रहा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ बेटा। राम जी, आज तो बचा लिया आपने। अच्छा हुआ कुणाल तूने आते हुए अमित जी को देख लिया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अम्मा पैसे? मैं देकर आती हूँ। काश हम आशी को उसके हिस्से की खुशी दे पाते। ये पायल तुमने हमारे लिए ली थी, तो ये हमारी हुई ना। जब हमने तुम्हारी पायल किसी और से लेके पहन ली, जब तुम्हारा सब कुछ हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा, तो जान लो ना, चाहेंगे तुम्हें इतना। तेरे हाथ में अभी भी सिद्ध का प्यार और दिल में भी तो सिद्ध का ना। हमारी किस्मत में कुणाल, बाबा ने बचपन में ही हमारी शादी कुणाल से कर दी। हमारे बाबा ने हमारा हाथ नहीं थामा, पर अमित बाबा ने तो अपने बेटे का हाथ छोड़ के हमारा हाथ थामा। हम अपने बाबा के लिए हर फर्ज निभाएंगे। तो उसके लिए खुद का दिल, सिद्ध का दिल सब तोड़ देगी। अब क्यों वही बात बार बार करते हैं? सिद्ध और आशी एक दूसरे के नहीं, शायद इस जन्म में तो नहीं। आप लोग प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आशी, काकी, इसकी जरूरत नहीं है। आज से इस घर की चाबियां, इस घर की जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हारी। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, उससे सिर्फ इस घर में नहीं, मेरे और सिद्ध की जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू। बस ऐसे ही फर्ज के बोझ के नीचे दबी रहना। सिद्ध को तुम्हारे दिल से निकालने का काम मेरा। नहीं, हम अपनी बच्ची को उस रिश्ते में बंधते नहीं देख सकते जो रिश्ता कभी था ही नहीं। अमृता, एक मिनट। जी? हमने तुम्हें बहुत वक्त दिया लेकिन तुम नहीं बोली।
अब हम बोलेंगे और सबको सच बताएंगे। अम्मा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये शादी नहीं हो सकती। घर में मेहमान है, उसके सामने तमाशा होगा तो मैं गांव जाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तू जानता है बहुत सिद्धि हूँ, करके दिखा सकती हूँ। जा बेटा, कसम है बहुरिया की मदद कर, जा जा। क्यों कर रही हो ऐसा? जानता हूं प्यार मुझसे है तो कुणाल से शादी क्यों? कह दो ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। ये रिश्ता तो मैं नहीं होने दूंगा आशी। सिद, आओ हमारे साथ, कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने कहा ना, तुम चलो मेरे साथ। सिद, ये क्या कर रहे हो आप? बताइए आप क्या कर रहे हैं? क्या कह के लाए थे मुझे इस घर में कि हम दोनों मिलके आशी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएंगे? मुझे और आशी को शादी करते हुए देखना चाहते ना, तो ये क्या हो रहा है? अगर ये शादी हो जाएगी तो मेरी और आशी की शादी कैसे होगी? आप उसे प्यार नहीं करते, अगर करते हैं तो ये शादी जाके रोकते क्यों नहीं? सिद, हम जानते हैं कि आशी की खुशी तुम्हारे साथ बंधी हुई है, लेकिन क्या करें, हम एक कसम से बंधे हुए हैं। और उस कसम का क्या जो आपने आशी की माँ को दी थी कि उसे जिंदगी भर खुश रखेंगे? बाबा है ना आप उसके, तो इस हक से जाके रोकिए ना उसे, शादी रुकवाइए। आपका बेटा कुणाल पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा है उसका, और ये तलाक वलाक सब नाटक। आप ये शादी रोकना ही नहीं चाहते। हाँ, आप लोगों की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते ना, इसलिए मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अच्छा, आप इसलिए शादी नहीं रुकवाना चाहते, जो पैसे आपने आशी के नाम पे किए ना वो वापिस आपके पास आ जाए? तुम हमें गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मिस्टर अमित, आप बहुत शातिर आदमी हैं और कायर। सिद, हमारी बात सुनो बेटा। बाबा, आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, हाँ। आशी, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बाबा को धक्का मारा? जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। बेटा, हमारी वजह से तुम मत लड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बाबा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्योंकि तुम्हारे बाबा कुछ बोलते ही नहीं है, कहते हैं शादी तुड़वानी है, तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देनी है, लेकिन नहीं। असल बात तो ये है आशी कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई खुशियाँ देंगे ही नहीं। बस इट, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना हमारे बाबा के खिलाफ। ये शादी होके रहेगी और कल के कल होगी। तुम्हारी यही जिद है ना, पूरी दुनिया आके भी बोलेगी ना कि तुम ये शादी पैसों के लिए कर रही हो या किसी भी वजह से, मैं नहीं मानूंगा। आई नो, प्यार तो तुम मुझे से करती हो, और देखना कुछ भी कर जाऊंगा पर तुम्हारी और कुणाल की कल शादी तो नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें जो करना है कर लो, पर कल ये शादी होके रहेगी। से आशी बेटे, हमें माफ कर दीजिए काकी माँ। आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम कुणाल से कल ही शादी करेंगे। सिर, तुम ऐसे हमारे बाबा का अपमान नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते हैं। पहले तो हम सोचने और मानने को तैयार ही नहीं थे कि अभी कुणाल से शादी, अब कल तुम्हारी आंखों के सामने वो हमारा पति बनेगा।